Hi everyone, today we'll discuss the next part of number system. तो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो रेशनल नंबर होता है अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो हमें टू टाइप ऑफ डेसिमल्स मिलता था. ओके, फिर से उसका थोड़ा रिकैप कर लेंगे, फिर हम उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. माई नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मैथ्स विद साई. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर्स होता है अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए, क्या किया जाए, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता था, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल मिलता था. टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो टर्मिनेट होता है, एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम 33/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 4.125. ये कैसे होता है ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था. वैसे ही 1/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में हमें मिलता है 0.142857. हियर 142857 इज द रिपीटिंग पार्ट और रिकरिंग पार्ट. ये वाला पार्ट होता है क्या, रिपीट होता है 142857 इस तरह का रिपीट होता है. ठीक है, तो रेशनल नंबर्स के बारे में अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर आई बटन के ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसी के ऊपर क्लिक करके पूरा रेशनल नंबर का कंसेप्ट मैंने डाल रखा है वो देख लेना. फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं, जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पर P एंड Q क्या है, P एंड Q इंटीजर्स होते हैं एंड एक कंडीशन है Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. क्लियर, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया. ओके, बाकी डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहीं पे भी जाके रेशनल नंबर का डिटेल देख सकते हैं. अब बारी आते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है, किसको हम इरेशनल बोलेंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है. क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा. ठीक, फॉर एग्जाम्पल √2 1.414213562373090 इस तरह का ये चलता जाएगा, ना तो इसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न दिख रहा है ना ये एंड हो रहा है. वैसे ही पाई भी एक इरेशनल नंबर है जो कंटिन्यूसली क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्लास का रिकैप. अब हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100. हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करें. ठीक है, अच्छा तो 36/100 को मैं लिख सकता हूँ, 36.0/100. आप बोलोगे पॉइंट तो नहीं था, पॉइंट कहाँ से लाया, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नेचुरल नंबर्स को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 को हम लिख सकते हैं 1.0, 2 को 2.0, 3 को 3.0. ऐसे मान लो कोई नंबर है 549, यहाँ पर डेसिमल उसका कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आफ्टर द पॉइंट, मतलब 549.0. क्लियर, जैसे कि 6321, अगर इसको डेसिमल में लिखेंगे कैसे, 6321.0, मतलब हर एक नेचुरल नंबर का उसके राइट हैंड साइड में डेसिमल हम ऐसे उसको डेसिमली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो उसी हिसाब से 36 हो जाता है हमारा 36.0. जब 100 के साथ हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये जो डेसिमल पॉइंट होता है ये टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड जंप करता है. कितने प्लस जंप करेगा, जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं. ठीक है, कितना जीरोज है, वहाँ पे 2 जीरो है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे ये 2 प्लस पीछे जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो 1, 2, तो ये हो जाएगा हमारा 0.36. क्लियर, क्या हो जाएगा 0.36, क्यों, 6 के बाद था 6 एंड 3, 2 प्लस वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्किप किया या फिर जम किया, तो आंसर हमें मिल गया 0.36. क्लियर, वैसे ही 3/13 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें सेम प्रोसेस जो लास्ट क्लास में हमने किया था, डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो 3/13 को हम डिवाइड करेंगे
3/13, 3 है यहाँ पे और ये हो गया हमारा 13, ठीक है। 3 क्या है, 3 डिविडेंड है, 13 क्या है, 13 हमारा डिवीजर है। तो प्रोसेस क्या है, मैंने बोला था अगर यहाँ पे हमें 13 जीरो जा जीरो ले लेना, 3 - 0 3, अब कुछ नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम एक डेसिमल पॉइंट देंगे, फिर 3 जीरोज लगाते हैं, जितना जीरोज लगा सकते हैं नॉर्मली 3 जीरो लगाएंगे। तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जीरो को नीचे लाएंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे देंगे और ये जीरो नीचे ले आए। ओके, 13 2 26, 30 - 26 होता है 4, फिर जीरो नीचे लाए 40, 13 3 39, फिर आ गया 1, फिर और एक जीरो नीचे आया 10, अब 10 13 से छोटा है, 13 0 0, ये हो गया हमारा फिर से 10, और एक जीरो नीचे लाएंगे, यहाँ पे जितना जीरो दे के आप नीचे ला सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, 13 7 91, 100 - 91 होता है 9, ओके, फिर 90, 13 6 78, 90 - 78 हो जाता है हमारा 10 - 8 2, ये हो जाएगा 8 - 7 1, 12, फिर 0, 120, 13 9 107, ये हो गया फिर से 3 30, देखना है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर भी और एक बार कर लेना है क्योंकि अगर आगे 4 आ जाएगा तो ठीक है, 13 2 26, 30 - 26 4, सही आ रहा है, ठीक है, 30 - 26 अगर करेंगे हम फिर से 4 आ जाएंगे, मतलब सही चल रहा है, ठीक है। तो 230769, 230769 इस तरह का एक हुआ, क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है। तो 3/13 हमारा हो जाएगा 0.230769 के ऊपर बार, ओके, क्लियर। नेक्स्ट है 329/400, तो 329/400 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 400 से 329 डिवाइड नहीं करके हम क्या करेंगे, हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा, 329/400 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 329/400 हो सकता है 4 × 100, हाँ या नहीं, बिल्कुल। अब ये 100 को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, कैसे, 329/4 × 1/100, क्लियर, अब भी सही है, 329 × 1 329, 4 × 100 400, सही है। हम क्या करेंगे, हम ये जो 329/4 है इसको अलग से डिवाइड कर लेंगे और बाद में इंटू कर लेंगे 1/100, क्लियर, क्योंकि 329 के साथ 4 डिवाइड करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 329/400, ओके, 329 के साथ 400 डिवाइड करने से बेटर है हम 4 को डिवाइड कर लेंगे फिर इंटू कर लेंगे, ओके, 4 8 जा 32, ये हो गया 0, फिर 9 नीचे लाया, 4 2 जा 8, 9 - 8 होता है 1, अब कुछ नहीं है यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया, 3 जीरो लगा देता हूँ, ये पहला वाला जीरो जब नीचे लाऊँगा ध्यान रखना, इससे पहले मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दूँगा, क्लियर। अब ये हो गया 10, 4 2 जा 8, 10 - 8 होता है हमारा 2, और एक जीरो नीचे लाऊँगा 20, 4 5 जा 20, जीरो। अब 329/4 हमारा हो गया 82.25, क्या हो गया, 82.25, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, 82.25 कितना हो गया, 82.25 हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 82.25 इंटू 1/100, ठीक है, 82.25 इंटू 1/100, सही है। अब 82.25 के साथ इंटू 1 करने से वही 82.25 रहेगा, तो इसको मिटा दो, ठीक है। अब 100 डिवाइड करने से सेम प्रोसेस, 2 जीरो है यहाँ पे, तो 2 प्लस डेसिमल पॉइंट जंप करेगा किसकी तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 के बाद है 2 and 8, दो पोजीशन है, तो 8 के पीछे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा
बड़ा करके मैं लिख देता हूँ, देख लेना। अगर ये जंप करेगा तो कितना प्लस, ये हो गया 1 प्लस, ये हो गया 2 प्लस, मतलब यहाँ चला आएगा डेसिमल पॉइंट। समझ में आ रही है? यहाँ पर था एक प्लस हुआ 2, दूसरा प्लस हुआ 8, तो अब 8 के पीछे चला आता है, तो 8 के पीछे चला आएगा, मतलब हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे 8 2 2 5, ये पीछे 0 लिख लो, कोई इशू नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा आंसर 0.8225, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये था हमारा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर। अब हम देखेंगे 0.47, इसको सीधा ट्रिक में समझेंगे। ओके, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने ट्रिक को समझा था। तो ट्रिक क्या था, जो भी नंबर है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हम क्या करेंगे, उसको पूरा नंबर लिख लेंगे। ठीक है, उसी में से कितना माइनस होगा, उसी में से जिसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, 4 के ऊपर क्या है, बार नहीं है, तो 4 को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। फिर नीचे क्या लिखना है, नीचे जितने नंबर के ऊपर बार है उतनी ही 9 लिखना है। 7 एक ही नंबर है जिसके ऊपर क्या है, बार है, तो हम क्या करेंगे, एक ही 9 लिखेंगे। एंड जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने ही 0 लिखेंगे, एक ही नंबर के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 यहाँ पे हम लिखेंगे। समझ में आया? एक नंबर के ऊपर बार है तो 19, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0, एक ही नंबर था ना, उसके ऊपर बार नहीं है इसलिए एक 0। 47 माइनस 4 43/90 हो गया हमारा डायरेक्ट आंसर। क्लियर? अब 0.001, सेम प्रोसेस, जो भी नंबर है सबको लिख लो। क्या नंबर था, 001 बाय जितने नंबर के ऊपर बार है उतनी ही 9। ध्यान रखना यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर बार है, हो सकता है यहाँ पे 0 है, लेकिन हम 0 मान के, मतलब जितने नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर था, 0 भी एक नंबर है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3999 को लिख लेंगे। अगर ये सोच रही हो कि लेफ्ट हैंड में 0 है एंड उसको, मतलब उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो आंसर गलत होगा। ठीक है, ये बार का सिंबल जितने नंबर के ऊपर है मतलब कंपलसरी है कि उतने ही 9 हमें लिखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1/999। ठीक है, अब 0.999 इस तरह का वो कंटिन्यू हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 0.9 के ऊपर बार, हाँ या नहीं, क्योंकि 999 ऐसा इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है 0.9 के ऊपर बार। अच्छा, प्रोसेस सेम है, जितना नंबर है राइट हैंड साइड में सबको लिख लो, एक ही नंबर है एंड दैट इज 9, तो 9 को लिख लिया मैंने। अब डिवीजन साइन दे दिया। ठीक है, अब क्या बोला था, जितने नंबर के ऊपर बार है उतनी ही 9 लिखना है, एक नंबर 9 है एंड उसी के ऊपर बार है, तो हम एक ही 9 लिखेंगे, और कुछ नंबर ही नहीं है, तो 9/9 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1। ध्यान से देखना, प्रोसेस है डेसिमल के बाद जितने नंबर से सबको लिखना है, एक नंबर था 9 था, एंड जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतनी ही 9 लिखना है, एक नंबर के ऊपर ही बार है एंड उतनी ही 9 हमें लिखना है, मतलब एक ही 9 लिखना है। क्लियर? 9/9 हो जाता है 1। ठीक है, अब लास्ट वन 0.321, सेम प्रोसेस सबको लिख लो, 321 मैंने लिख लिया। अब जिसके ऊपर बार नहीं है क्या करेंगे, उसी को माइनस करेंगे, 32 के ऊपर बार नहीं है तो 32 को मैंने माइनस कर दिया। अब डिवीजन साइन दे दिया, कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है तो 19 लिख लो, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 दे दो, 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है 2 0 लगा दो। अब 32 माइनस 321 माइनस क्या है, 321 माइनस क्या है, 321 माइनस 32 है। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं, 11 माइनस 2 9, ओके यहाँ पे भी 1 है, 1 माइनस 3 11 माइनस 3 8 289/900। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट है, फाइंड और चूज अन इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। फाइंड है फिर चूज भी है, ये क्या, फाइंड मतलब जब ऑप्शन नहीं होगा, चूज मतलब जब 4 ऑप्शन होता है
तब हमें कैसे निकालना है एंड फाइंड जब बिना ऑप्शन के क्वेश्चन होता है, तो दो सेम क्वेश्चन दो टाइप का आ सकता है, ऑप्शन के साथ भी आ सकता है, बिना ऑप्शन का आ सकता है। जब ऑप्शन के साथ आएगा तब फाइंड नहीं होगा, चूज होगा, जब ऑप्शन नहीं होता है तब फाइंड होगा, ठीक। लेकिन आंसर करने का तरीका एक है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 5/7 एंड 9/11 ये दोनों तो रेशनल है, दिख रहा है पी बाई क्यू फॉर्म में, क्यू भी जीरो नहीं है, इसका मतलब ये दो रेशनल के बीच हमें क्या करना है, एक इरेशनल निकालना है, ठीक। एक नहीं, हम ऐसे हजारों इरेशनल निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोसेस है कि क्या प्रोसेस है देखते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें, 5/7 को डेसिमल में करना पड़ेगा कन्वर्सन, ठीक। अब 7 0 जा 0, 5 - 0 होता है 5। अब प्रोसेस डेसिमल पॉइंट लगा दो क्योंकि उसके आगे कोई नंबर नहीं है, 3 0 फॉर्मेली हमें दे देते हैं। जब डेसिमल के बाद वाला पॉइंट को नीचे लाएंगे तब यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा, ओके। ये हो गया 50, 7 7 जा 49, 1 और एक 0 नीचे लाओ 10, 7 1 जा 7, 10 - 7 3, फिर हो गया 30, ओके। 7 4 जा 28, 30 - 28 होता है 2, फिर 0 नीचे लाओ 20, 7 2 जा 14, 20 - 14 होता है 6, 60, 7 8 जा 56, 60 - 56 होता है 4, 40, 7 5 जा 35, 40 - 35 हो जाता है 5, 50, 7 7 जा 49, मतलब रिपीट होना शुरू हो गया। देखना यहाँ पे 50 है, ठीक, यहाँ पे भी 50 है, क्लियर। अब फिर से ये जो पैटर्न है रिपीट होगा, 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 2 8 5 क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक। तो 5/7 का डेसिमल एक्सपांसन हम ऐसे लिख सकते हैं, डॉट डॉट लगा दो, क्लियर। अब 9/11 को करेंगे, 9/11, ओके, 11 0 जा 0, ये है 9, पॉइंट लगा के 3 0 लगा दो, लगा दिया, जब 0 नीचे लाया तब यहाँ पे डेसिमल भी लगा दिया, 11 8 जा 88, 90 - 88 होता है 2, 20, 11 1 जा 11, 20 - 11 9, 90 है, 11 8 जा 88, मतलब रिपीट होना शुरू हो गया, फिर से 2, 20, 11 1 जा 11, देख रहा है ये 8 1 8 1 करके क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्लियर। तो सीधा यहाँ पे लिखते हैं, एक आया हमारा 0 पॉइंट, अब इसको मिटा देते हैं, एक आ गया हमारा 0.714285, दूसरा आ गया 0.8181, ओके। दोनों का हमें क्या मिल गया, डेसिमल वैल्यूज मिल गया। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.714285, ओके, डॉट डॉट दे देता हूँ, और यहाँ पे लिख लिया मैंने 0.8181, ऐसे करके डॉट डॉट दे। अब बात आता है इसके बीच हमें क्या निकालना है, इरेशनल निकालना है। इरेशनल कैसे निकालोगे, इससे बड़ा होना चाहिए एंड इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये 5/7 के बदले मिला एंड दिस वन इंस्टेड ऑफ 9/11, क्लियर। तो 5/7 के बदले अगर ये मिल रहा है उसी से बड़ा होना चाहिए एंड इससे छोटा होना चाहिए, तो क्या करना, कैसे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। 0 पॉइंट, पहले मैंने 7 लिख लिया, ओके, 7 1 है, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। अब इसके बाद एक, मतलब बाद में तुम कुछ भी चाहो लिख सकते हो, जैसे 3 6 7 8 4 0 1 9 5, ऐसे करके कुछ भी लिखोगे तो ये इससे बड़ा होगा एंड इससे भी छोटा होता है, ठीक है। वैसे ही जितना नंबर चाहे लिख सकते हो, 0.75689405037, डट डट लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, मतलब इससे ये ग्रेटर है एंड इससे छोटा भी है, ठीक। अच्छा, और एक नंबर लिखता हूँ, 0.8056793 डट डट लगा दो, ठीक है। देखना 7 से 8 ग्रेटर है, यहाँ पे 8 1 है, मैंने क्या किया 8 0 लिख दिया। और कंपेयर कैसे किया जाता है, पहले
सबसे पहले वाला नंबर को देखते हैं, यहाँ पे 7 है एंड यहाँ पे 8 है, मतलब 7 से 8 बड़ा है। अच्छा यहाँ पे 8 है लेकिन ये दोनों सेम हो गया, ठीक। इसका जो फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल है, इसका फर्स्ट प्लेस भी सेम है लेकिन इसके बाद ये यहाँ 0 है एंड दिस वन इज 1, तो ये हो जाता है ग्रेटर, ये हो जाता है उससे छोटा, ठीक है। अगर पहला वाला लेटर सेम आया फिर हम क्या करेंगे, नंबर सेम आया फिर हम नेक्स्ट नंबर के पास जाएंगे, और वहीं पे दिख रहा है यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे 1 है, मतलब ये ग्रेटर है एंड ये स्मॉलर है। ऐसे करके हम इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच लिख सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। चूज कैसे करना है, चूज कैसे करोगी, चूज इसमें से ये देख लेना, पहले ये मिल जाएगा तुम्हें 5/7 का एंड 9/11 के लिए ये मिल जाएगा। ध्यान से देखना ऑप्शन में कि ऑप्शन में क्या है, 7 एंड 8 से छोटा होना चाहिए, तो 7 हो सकता है, 1 के बदले 2 हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा वैसे ही कुछ नंबर होगा, ठीक है। तो ये था इन बिटवीन 5 एंड 7 एंड 9 एंड 11 के बीच इरेशनल नंबर, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है इरेशनल एंड इरेशनल हमें चूज करना है, ओके। √23 रेशनल होगा या इरेशनल, पहली बात तो ये जो 23 है वो क्या है, वो प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है, और जब हम प्राइम नंबर का रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल हो जाता है। और एक बात, प्राइम किसको कहते हैं, जिसका दो फैक्टर होता है, कितने फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर, जैसे कि 23 का होता है 1 × 23, ओके। यहाँ पे 1 और 23 इसका टू फैक्टर्स है, इसलिए 23 प्राइम है। एंड प्राइम नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब इरेशनल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल, ठीक है। और स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। अब बात आता है 225, 225 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, हम उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम नंबर के साथ हम उसको डिवाइड करेंगे। तो 225 कौन सा प्राइम नंबर में डिवाइड होगा, तो उसके लिए हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है। क्या रूल है, हम क्या चेक करेंगे, पहला 2, 3, 5 इस तरह का प्राइम नंबर जो है उसी में से एक एक करके चेक करेंगे, और सबका प्रॉपर्टी भी होता है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो 2 का प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है, हम सीधा 3 के पास चलते हैं। 3 का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 9 है तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। 2 + 2 = 4 + 5 क्या होता है, 9 हो, ये तीनों नंबर का सम 9 है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। 9 क्या हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है ये 3 से भी डिवाइड होगा। 3 7 = 21, 22 से 21 जाएगा तो 1 5 15, 3 5 = 15। अब ये फिर से जाएगा, 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है, 3 का टेबल में 12 आता है, तो ये 3 से फिर से डिवाइड होगा। 3 2 = 6, 7 - 6 होता है 1 and 5 = 15, 3 5 = 15 एंड यहाँ पे 5 दिख रहा है बिल्कुल, 25, 5 का टेबल में आ जाएगा, 5 5 = 25। तो 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ हमारा 3 × 3 × 5 × 5, मतलब ये चार नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाएगा, 225 मिल जाएगा। एंड ये चार नंबर क्या है, प्राइम नंबर से, ठीक है, ये चार नंबर क्या है, प्राइम नंबर से। एंड उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें दो नंबर से एक एक नंबर उठाएंगे, कैसे, दो 3 है एंड 2 5 है, तो 2 3 से एक 3 उठाऊंगा एंड यहाँ पे 2 5 है, मतलब एक 5 यहाँ पे कलेक्ट करना है मुझे। ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 15, ये हो जाएगा 225 का स्क्वायर रूट, क्लियर। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालें, पहले उसका प्राइम फैक्टराइज करना, फिर उसका पेयरिंग कर लेना सेम सेम नंबर को लेकर, एक पेयर से एक नंबर कलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 और 3 को लेकर एक पेयर हुआ था, एक 3 मैंने कलेक्ट किया, 2 5 को लेकर एक और एक पेयर था और एक 5 कलेक्ट किया। ऐसे जितने भी पेयर्स होगा हर एक पेयर में से एक नंबर को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के लिए कलेक्ट करके हम क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 15 हो जाता है यहाँ पे, 225 का क्या है, स्क्वायर रूट एंड 15 इज ए रेशनल नंबर, ओके। 0.3796 ये दिख रहा है, ये बिल्कुल रेशनल है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, ओके। एंड 7.478 ये टर्मिनेटिंग
नहीं है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, क्योंकि ये जो 478 के ऊपर बार है तो ये रिपीटेडली चलता जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी रेशनल में आता है। ओके, रेशनल का कौन सा पार्ट ये है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में आता है ये। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में आता है। एंड ये जो लास्ट नंबर मैंने लिखा है 1.10, 100, 1000, इस तरह का ये चलता जाएगा, 140, 150, ओके, इस तरह का ये चलता जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा इरेशनल, ठीक है, क्योंकि ये इरेशनल है, देख रहा है कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्लियर हो गया ये रेशनल एंड इरेशनल का क्लासिफाई करना, कौन रेशनल होगा एंड कौन इरेशनल होगा, ठीक है। अब लास्ट में आता है विच वन इज ग्रेटर, इसमें से ग्रेटर कौन है, कौन है ग्रेटर, कैसे पता करेंगे, या तो सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके लाइक डेसिमल बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो बेस्ट मेथड होगा वही बेस्ट मेथड क्या है, हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसको डेसिमल एक्सपेंशन में निकाल देंगे, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के उसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.5 होगा, सीधा लिख देता हूँ ये, 2/3, 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, निकाल दो यहाँ पे, 2/3, 3 0 जा 0, 2 - 0 2, कोई नंबर नहीं है, उसके बाद पॉइंट लगाओ, 3 0 2, जब पहला जीरो नीचे लाओगे तब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना, रूल हमेशा फॉलो करना, 3 6 18, 20 - 18 होता है 2, फिर से 20, 3 6 18, इस तरह का ये क्या होगा, 666 करके कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो 2/3 होता है हमारा, 3 प्लस तक लिख देता हूँ मैं, 0.666 .. अब 3/5, 3/5 को निकाल दो, ये देख रहा है 5 0 जा 0, 3 - 0 3, डेसिमल लगा के 3 0 दे दिया मैंने, पहला जीरो को जब नीचे लाया तब ऊपर डेसिमल पॉइंट दिया, ये हो गया 30, 5 6 जा 30, ठीक है, ये हो गया 0.6। एंड 4/7 क्या होता है, ये 4 7 0 जा 0, 4 - 0 4, अब 3 0 लगा दो, जब पहला वाला पॉइंट को नीचे लाओगे जीरो को तो ऊपर डेसिमल पॉइंट दो, 7 5 जा 35, 40 - 35 होता है 5, 0 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 7, ये आगे चलता जाएगा, तो हमें 3 प्लस में काम हो जाएगा, ठीक है, 0.571 आगे हमें नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है इसमें मतलब 3 प्लस तक काम बन जाएगा, देखना ग्रेटर पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, चेक कैसे करते हैं, सबका डेसिमल के बाद वाला नंबर देखना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, मतलब ये जो 5 छोटा है तो इसको हटाओ, ये भी 5 है इसको घटा दो, ठीक है, अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक, तो यहाँ पे 6 के बाद भी 6 है, लेकिन यहाँ पे 6 के बाद कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है हम इसको 0 लगा सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 6 6 सेम है, और जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर नंबर, 2/3 हो जाएगा हमारा आंसर, क्लियर, क्योंकि 0.6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.6 0 0 0, मनचाहे जितना 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसका वैल्यू वही 0.6 ही रहता है, लेकिन कंपेयर करने का टाइम हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से 0 लगा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकालेंगे, तो जब ग्रेटर की बात करेगा तब ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन करके हम उसका आंसर इजीली मतलब शॉर्ट टर्म जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, होप जो क्वेश्चंस एंड जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।